अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल, प्रूफ ऑफ नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल. सो व्हाट इज दैट इंटीग्रल? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ओके, प्लस सी. सो इन प्रूफ वी कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इंटीग्रल, ओके. सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो अब आप अगर ये डिनोमिनेटर देखते हैं इस इंटीग्रल का, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर है माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर है. सो दैट्स वाई ये कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा? देखिएगा, आपके पास ए स्क्वायर, जो हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूले है, उसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में क्या होगा? आपके पास ये कन्वर्ट होगा. तो ए के प्लेस पर क्या टर्म है आपके पास? देखिएगा, वहाँ से ए ही है. और बी के प्लेस पर कौन सा टर्म है? देखिएगा, आपके पास एक्स टर्म है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू एक्सपांशन, एक्सपांशन में आपको क्या करना है? इन वन ब्रैकेट ए प्लस क्या राइट डाउन करना है? बी. बी के प्लेस पर क्या है? एक्स. तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स. आफ्टर दैट क्या करना है? देखिएगा, जैसा हमने प्रीवियस थ्योरम में एडजस्टमेंट किया था वन के प्लेस पर, सेम एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे. तो किसकी हेल्प से करेंगे आप वो एडजस्टमेंट? तो बाय यूजिंग दिस डिनोमिनेटर टू टर्म्स, ये जो आपके पास है प्रोडक्ट में, इन दोनों का ऐसा एडजस्टमेंट आप करोगे कि आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट व्हाट? वन. तो ऐसी इक्वालिटी वहाँ पर मेंटेन करना है कि आपको क्या मिलना चाहिए? वन. तो विच टर्म्स? देखिएगा, सिक्वेंसिंग कैसा राइट डाउन किया है? फर्स्ट ए माइनस एक्स राइट डाउन किया है, देन उसके बाद क्या लिखा है? प्लस. एंड देन क्या राइट डाउन किया है वहाँ पर? ए प्लस एक्स राइट डाउन किया है, ठीक है. तो अब क्या करते हैं आप यहाँ से, अगर ये ब्रैकेट ओपन कर, अब अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करते हो, सो यू विल गेट व्हाट? ए माइनस एक्स. प्लस साइन होने की वजह से आप क्या करोगे? एज इट इज सेकेंड ब्रैकेट विदाउट एनी चेंजेस राइट डाउन करेंगे. प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, यू विल गेट व्हाट? टू ए, राइट. तो ये न्यूमरेटर में आपको कौन सा टर्म मिल रहा है? यहाँ से टू ए. तो ये टू ए जब इसके प्लेस पर आपको मिलेगा, देखिएगा, जबकि हमको क्या चाहिए था? वन चाहिए था. तो टू मेंटेन द इक्वालिटी यहाँ पर क्या किया है? डिवाइड किया है इंटीग्रल को स्टार्ट में ही किससे? टू ए से. तो दैट टू ए एंड टू ए गेट कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा? वन. कैंसिल मत करिएगा क्योंकि हमने ये एडजस्टमेंट किया है. अब आफ्टर एडजस्टमेंट देखिएगा आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे. यहाँ पर ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कंटेन्स व्हाट? सिंगल टर्म. और न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है? देखिएगा, आपके पास दो टर्म्स है. सो दैट्स वाई यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपके पास सिंगल डिनोमिनेटर है, इसको हम न्यूमरेटर के a माइनस एक्स के साथ सेपरेट करते हैं और इसके साथ आप सेपरेट करते हो. सो आफ्टर सेपरेशन देखिएगा आपको टर्म्स क्या मिलेंगे. तो मैं फर्स्ट टर्म आपको क्या करती हूँ, वहाँ से बताती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा आफ्टर सेपरेशन, ओके. तो क्या मिलेगा देखिएगा आपको वहाँ से, वहाँ आपको टर्म क्या मिलना चाहिए देगा? देखिएगा, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट व्हाट? a माइनस एक्स. अब न्यूमरेटर वन टर्म, डिनोमिनेटर में दो टर्म है, प्रोडक्ट में है, दैट्स व्हाई दिस a माइनस एक्स, a माइनस एक्स गेट कैंसिल. सो यू विल गेट व्हाट? वन अपॉन a प्लस एक्स, राइट. ये फर्स्ट जो आपने सेपरेशन किया था उसका कैलकुलेशन मैंने ही आपको बताया है. सेम वैसे ही सेकंड का भी कैलकुलेशन होगा. तो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इन ब्रैकेट a माइनस एक्स, a प्लस एक्स गेट कैंसिल. तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा देखिएगा यहाँ पर, आफ्टर दैट ये सेपरेशन के बाद प्लस वन अपॉन a माइनस एक्स इंटू क्या राइट डाउन करेंगे देखिएगा हम? dx. बेसिकली अगर अकॉर्डिंग टू द रूल देखा जाए तो ये डी एक्स यहाँ नहीं आना चाहिए, बल्कि ये डी एक्स कहाँ आना चाहिए? इंटू डी एक्स यहाँ पर आना चाहिए, ओके. तो ये यहाँ पर आप क्या करोगे? राइट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है. तो यहाँ ये डी एक्स राइट डाउन मत करिएगा. फिर देन क्या करते हैं देखिएगा आप, वहाँ से इंटू डी एक्स क्या, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इंटीग्रल इस ये टर्म के साथ सेपरेट, ये टर्म के साथ सेपरेट कर लेंगे हम. सो आफ्टर सेपरेशन क्या आ जाएगा देखिएगा आपके पास, वहाँ से इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको? वन अपॉन ए प्लस एक्स, राइट. इंटीग्रल कैसा फॉर्म होगा आपका? इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए प्लस एक्स इंटीग्रल वन अपॉन ए माइनस
एक्स, राइट। इंटीग्रल हम क्या करेंगे, वहाँ से सेपरेट करेंगे। ये टर्म के साथ इंटीग्रल सेपरेट करोगे आप, और ये टर्म के साथ आप इंटीग्रल क्या कर लोगे, सेपरेट। सो आफ्टर सेपरेशन इंटीग्रल में आपको क्या टर्म मिलना चाहिए, 1/a + x। तो उसका इंटीग्रेशन कैसा लेंगे हम, राइट। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, a + x का डेरिवेटिव 1 होगा। न्यूमरेटर में अवेलेबल है, यस। तो दैट्स वाई द आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल इज व्हाट, आफ्टर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ दैट डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, a + x + सेम हियर। अब a - x का डेरिवेटिव चेक करिएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a - x, यस। a - x का डेरिवेटिव क्या आता है, देखिएगा आपके पास -1 आता है, ठीक है। क्या आता है आपके पास, -1, लेकिन यहाँ कौन सा टर्म है, 1 है। सो दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं, साइन का वहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन का एडजस्टमेंट करते हैं। तो कैसा एडजस्टमेंट करिएगा, कैसा एडजस्टमेंट करेंगे, देखिएगा आप, ये जो आपके पास 1 है, 1 को हम कैसा राइट डाउन कर लेंगे, देखिएगा -(-1), ठीक है। सो ये माइनस साइन, फिर आप क्या करोगे, वहाँ से ये माइनस साइन हम यहाँ से स्टार्टिंग में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ कैसा कैलकुलेशन किया है, देखिएगा, पहले इसका डेरिवेटिव लिया, इसका इंटीग्रेशन लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, लॉग ऑफ a - x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 1/ लीनियर फैक्टर है ना ये, सो दैट्स वाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ a - x। देन आफ्टर दैट क्या किया है, देखिएगा यहाँ पर वो जो आपके पास फंक्शन था उसके डेरिवेटिव से क्या क्या दिया है उन्होंने, डिवाइड। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, -1, उससे क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है उन्होंने। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करने के बजाय डायरेक्ट जो हम सेकेंड प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो यूज़ किया है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन को हम मिडल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस इनटू माइनस यू विल गेट व्हाट, हियर देखिएगा यहाँ, इसलिए आपको कौन सी साइन मिल रही है, माइनस। ये टर्म एज इट इज़ राइट डाउन किया है, ये टर्म एज इट इज़ राइट डाउन किया है। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या किया है, देखिएगा वहाँ से लॉग प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, लॉग का क्वेश्चन रूल यहाँ पर यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू दैट माइनस की वजह से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर √1 log डिवाइडेड बाय डालकर ये फंक्शन राइट डाउन करेंगे और ये फंक्शन राइट डाउन करेंगे आप, राइट। तो ये यहाँ पर आपने राइट डाउन कर लिया है 1/2a log(a+x)/a - x + c। तब देखिएगा आपके पास राइट हैंड साइड अवेलेबल हो चुका है, यहाँ पर ये आ चुका है राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर डाल के अब हम क्या राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर देयरफॉर डाल के क्या राइट डाउन करेंगे आप, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1/(a²−x²)dx इक्वल टू व्हाट, 1/2a log(a+x)/(a-x) और प्लस क्या लिख देंगे आप, सी। सो हियर इज द प्रूफ ऑफ थर्ड स्पेशल इंटीग्रल। नाउ वी विल सी प्रूफ ऑफ फोर्थ स्पेशल इंटीग्रल। ओके, सो व्हाट इज दैट, इंटीग्रल ऑफ 1/√a²−x²dx दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। ओके, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, देखिएगा। सो इन प्रूफ फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है ऑलरेडी, हम क्या कंसिडर करेंगे, यस, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे ऑफ दिस इंटीग्रल। सो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो देयरफॉर लेट आई इक्वल टू इन प्रूफ, ओके, लेट आई इक्वल टू ये जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल है वो हम राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दैट देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग विच मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप क्या सोचना है आपको यहाँ पर, कि सब्स्टिट्यूशन जब आप करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। ओके, फॉर सब्स्टिट्यूशन 1 table इज गिवन टू यू, सो जस्ट चेक इन दैट, वेयर इज दैट टर्म। ओके,
सो दिस इज़ द टेबल. ये टेबल आपके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिया था कि हम क्या करेंगे जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन करना होगा स्पेशल इंटीग्रल्स में, तो हम ये टेबल का क्या करेंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे. सो हम जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें टर्म क्या था, देखिएगा आपके पास टर्म क्या है, आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. उस टेबल में हम चेक करेंगे, चेक करिए यहाँ पर वेयर इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन एक्सप्रेशन कॉलम, कहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस, यस फर्स्ट वन, राइट. फर्स्ट वन है आपके पास क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो अब हम यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्या सब्स्टिट्यूट करना है देखिएगा आपको इसके प्लेस पर, या तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा. तो हम किससे गो थ्रू होते हैं देखिएगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा. हम क्या करते हैं इससे गो थ्रू होकर देखते हैं. सो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, एक्स इक्वल टू वॉट ए साइन थीटा, यू नो वेरी वेल. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वॉट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या टर्म मिलेगा. सो वॉट, यहाँ पर मैं वो स्टेप राइट डाउन करती हूँ, डी एक्स फॉर योर कन्वीनियंस, ओके. यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं हम डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यू विल गेट वॉट, डी एक्स बाय थीटा. ए कॉन्स्टेंट है सो दैट्स वाई हम उसको क्या करते हैं आउटसाइड लेते हैं, डी बाय डी थीटा ऑफ वॉट, साइन ऑफ थीटा, ओके. इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट वॉट, ए इन टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, डेरिवेटिव, यस डेरिवेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इक्वल टू वॉट, कॉस ऑफ थीटा. सो वॉट, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू वॉट, ए कॉस ऑफ थीटा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, वहाँ से डी थीटा को कौन सी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और इन टर्म्स ऑफ क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, डी एक्स वैल्यू फाइंड आउट करोगे. तो दैट्स वाई देखिएगा यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखा है आपके पास, देयर फोर डी एक्स इज इक्वल, सो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा इन टू वॉट, डी थीटा. एंड नेक्स्ट स्टेप पता है आपको, इन टर्म्स ऑफ क्या फाइंड आउट करेंगे हम, थीटा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट. इन टर्म्स ऑफ थीटा वैल्यू फाइंड आउट करोगे सो यू विल गेट वॉट, थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, साइन को आप इस साइड ट्रांसफ़र करोगे, तो साइन जब आप इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो इट बिकम साइन इनवर्स ऑफ एंड देन वॉट, एक्स बाय ए. पहले आप ए को ट्रांसफ़र करेंगे, बाद में आप किसको ट्रांसफ़र करोगे, साइन को ट्रांसफ़र करोगे. सो थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या किया है यहाँ पर, यहाँ पर इंटीग्रल में टर्म बार बार लिखते बैठने के बजाय क्या किया है, डायरेक्टली ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसका ही पहले कैलकुलेशन कर लिया है. देखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज़ राइट डाउन किया है, एक्स के प्लेस पर क्या किया है देखिएगा, एक्स के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, ए साइन ऑफ थीटा, एक्स स्क्वायर है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा आपके पास, एक्स में एक्स की जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो जितने भी टर्म्स हैं उन सबका स्क्वेयरिंग करके यहाँ राइट डाउन किया है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू वॉट. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा यहाँ पर क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में ए और ए को क्या किया है, कॉमन लिया है, ये ए और ये ए. आफ्टर टेकिंग कॉमन, कॉमन लेने के बाद देखिएगा, सो ये जो स्टेप है ए कॉमन लेने के बाद की स्टेप मैं यहाँ डाउन करती हूँ, तो अंडर रूट ऑफ वॉट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन, रिमेनिंग वन रहेगा, माइनस ए स्क्वायर आउटसाइड, सो दैट्स वाई सिर्फ आपके पास क्या टर्म रहेगा, वन माइनस वॉट, साइन स्क्वायर थीटा. और ये ए स्क्वायर है, ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, सो दैट्स वाई यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं. स्क्वायर रूट जब आप सेपरेट करोगे राइट, तो आपको क्या टर्म मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, राइट. अंडर रूट ऑफ क्या टर्म मिलेगा आपको वहाँ से, ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, सो दैट्स वाई क्या राइट डाउन किया है, आउटसाइड ए राइट डाउन किया है, ठीक है.
a and under root of this 1 minus sine square theta as it is. Ab you know very well, under root of 1 minus sine square theta by using, yes, correct, trigonometric identities. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, साइन और कॉस को लेकर जो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, वन, वो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया है इन टर्म्स ऑफ, राइट, कॉस आपको आंसर मिलेगा वहाँ पर. तो कॉस टर्म में आपको क्या आंसर मिलना चाहिएगा, देखिएगा वहाँ से, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो दैट्स वाई अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा दिस ए एज इट इज. तो देखिएगा यहाँ से, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट में टर्म था, ये स्क्वायर रूट टर्म का आपको ये आंसर मिला है ए कॉस ऑफ थीटा. अब क्या करते हैं हम इस इंटीग्रल में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं. सो देयर फॉर दैट आई बिकम्स आई इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में देखिएगा आपके पास क्या टर्म आएगा, ऑन द प्लेस ऑफ डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करोगे, ए कॉस ऑफ डी थीटा. तो देखिएगा यहाँ राइट डाउन क्या है, ये ए, ये कॉस थीटा, ये इंटू डी थीटा. और डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है, देखिएगा चेक करिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, करेक्ट. तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या राइट डाउन करेंगे हम, ये देखिएगा, ये सॉल्व किया था हमने, ए कॉस ऑफ थीटा. तो ये यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ए कॉस ऑफ थीटा. अब न्यूमरेटर चेक करिएगा, ये टर्म और ये टर्म, दोनों भी टर्म आपको सेम नज़र आ रहे हैं. सो दैट्स वाई क्या करेंगे आप, यहाँ से दिस ए कॉस ऑफ थीटा एंड दिस ए कॉस ऑफ थीटा गेट कैंसल एंड इन इंटीग्रल यू विल गेट व्हाट, वन, वन इंटू डी थीटा. जैसे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स क्या होता है, एक्स, तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं ना आप, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा. फिर क्या राइट डाउन करेंगे आप, प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट. अब आपको पता है वैल्यू किसकी, देखिएगा वहाँ से किसकी वैल्यू पता है आपको, यस, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की नहीं, सॉरी, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू. थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय. तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. सो यू विल गेट व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी. तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये राइट हैंड साइड आ रहा है. तो देयरफॉर डाल के हम क्या राइट डाउन करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे आप, राइट हैंड साइड राइट डाउन करेंगे. ओके, सो हियर इज द प्रूफ.